बाबा ने लखनऊ के भैंसाकुंड शमशान घाट का वीडियो वायरल होने के बाद उस शमशान घाट को चारों तरफ से घेरकर पर्दा करा दिया है। ये अच्छा है, लोगों द्वारा मामले की भयावता देखने पर वो बाबा भी डर जाते हैं जिनको उनके समर्थक बब्बर शेर कहते हैं। ये डर ही है कि शमशान घाट की पर्देदारी कर दी गई, लोग सैकड़ों लाशें एक साथ जलती देखकर और ना डरे, इसलिए बाबा ने ये बढ़िया इंतज़ाम कर दिया है। वैसे भी मुसलमानों से अपने समाज को डराते डराते, इस्लाम से हिंदू धर्म को ख़तरा बताते बताते बाबा का समाज बहुत डरपोक हो गया है, इतना कि शमशान घाट की तस्वीरों से भी डर जाता है। अच्छा किया, भैंसाकुंड को घिरवा दिया। बस चद्दर का रंग भगवा होता तो देखकर लोगों के अंदर डर की जगह जोश आता, पर यह क्या, नीले और बसपा के कलर वाले चद्दर का प्रयोग बाबा ने कर दिया। शायद अंबेडकर जयंती थी इसलिए, बाबा सबका ख्याल रखते हैं। दरअसल जनता से जुड़ी समस्याओं से लड़कर उन्हें दूर करने की जगह भाजपा की सरकारें उन समस्याओं पर पर्दा डालती हैं और जनता को धार्मिक क्लेवर में लिपटे मुद्दों का लेमन जूस पकड़ाकर ऐश करती हैं। यही नमस्ते ट्रंप के समय अहमदाबाद की झुग्गी झोपड़ी को दीवारों से ढककर किया गया। यही मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र में जाने पर फुटपाथों को ढककर किया जाता रहा है, तो यही भैंसाकुंड शमशान घाट पर भी किया गया। देखकर दुख हुआ कि शमशान कब्रिस्तान के भाषण पर चुनकर आई ये सरकार 4 साल में भैंसाकुंड शमशान घाट में लाइट न लगवा सकी। हैरानी की बात यह है कि गौमूत्र और गोबर को दुनिया की सभी बीमारियों समेत परमाणु तक से बचाने का दावा करने वाले ख्वाजा अब्दुल हमीद की रेमडेसिविर पर जिंदा हैं। मुझे वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने कहा हम कैसे बाहर हैं, उनका शरीर पर मल लीजिए गोबर, आप तो आप एटॉमिक रेडिएशन से बच सकते हैं। मैं कैंसर की पेशेंट, मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। आज गौमूत्र उनके किसी काम का नहीं। हैरानी की बात यह है कि देश की हवा में जहर घोल चुके लोग जफर मंसूरी के इंदौर स्थित इंडियन इंजीनियरिंग के मुफ्त दिए जा रहे ऑक्सीजन पर जिंदा हैं, और देश के बहुसंख्यकों को जगाने का दावा करने वाले उनके मरती और जलती तस्वीरों पर पर्दा डाल रहे हैं। गुजरात मॉडल में सिर्फ नफरत है, फ्रॉड है, बैंकों की लूट है, सरकार से चोरी है और नोट कमाने की कला है। इसके लिए नैतिकता, संबंध और व्यापारिक सिद्धांतों की चिता जलानी पड़े तो जल जाए। गुजरात मॉडल में इसके अलावा कुछ नहीं। वहाँ के लोगों ने मुल्लों को टाइट करने के चक्कर में अपनी फाड़कर फ्लावर कर ली। पूरे गुजरात में हाहाकार है, मीडिया सब छुपा रहा है। गंभीर रोग के मरीज लिए एम्बुलेंस की लाइन देखिए। अस्पताल में जगह नहीं है, एक एक चिता पर तीन तीन चार चार लाशों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। छोटा भाई मोटा भाई इस सबसे बेखबर पश्चिम बंगाल में हर दिन दीदी ओ दीदी कर रहे हैं। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में अस्पताल फुल हैं, लोग नोट और मरीज लिए इस अस्पताल से उस अस्पताल आ जा रहे हैं, कहीं कोई बेड नहीं है ना कोई सुनवाई हो रही है। इंसान इस भेड़िया सदान में जानवर हो चुका है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की जगह उसी खर्च में 100 अस्पताल बन सकते थे, लोगों की आज जान बचाई जा सकती थी। बनारस को पूर्वांचल का मेडिकल हब बनाया जा सकता था। प्रशासक जानता है कि जनता धर्म का लेमन चूस देर तक चूसती है, तभी शासक धर्म के नाम पर बार बार जीतता है। समझदार और जागरूक जनता वाला देश होता तो नोटबंदी, GST और कोविड की बदइंतजामी के कारण मौजूदा सरकारों का बोरिया बिस्तर 10-15 सालों के लिए बांध देता। पर हाय रे सांप्रदायिक जहर, चारों तरफ हाहाकार, चारों तरफ लाशें ही लाशें, और पट्टा उत्सव मना रहा है। सभी रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए भारत में कोरोना 2 लाख के पार पहुंच गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि COVID-2 में इस बार इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं बताया जा रहा है, बल्कि हरिद्वार कुंभ पर जो सवाल उठ रहे हैं उसको नकारा जा रहा है।
कोई मुख्यमंत्री कह रहा है कि गंगा मैया की कृपा से हरिद्वार आए किसी श्रद्धालु को कोरोना नहीं होगा, कोई कह रहा है कि स्नान खुले में है इसलिए कोरोना नहीं होगा, तो कोई कह रहा है कि हरिद्वार कुंभ की तबलीगी जमात से तुलना बेवकूफ़ी है। ये अच्छी बात है कि तबलीगी जमात की तरह ना तो इनकी धरपकड़ हो रही है, ना कोई कोरोना कैरियर घोषित हो रहा है और ना दिल्ली सरकार अलग से इनके लिए कोई आंकड़े जारी कर रही है। ये देश में अच्छी बात हो रही है। हालांकि कोरोना के संक्रमण की तेज़ी होली के बाद ही शुरू हुई और हरिद्वार कुंभ के हर शाही स्नान के बाद इसमें तेज़ी से उछाल आया। सिर्फ 2 दिन पहले हुए शाही स्नान के बाद कल से आज तक में 32,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित रजिस्टर हुए हैं। दूर दराज के लोग संक्रमण लेकर अभी रास्ते में होंगे। कोरोना की सबसे अधिक तेज़ी हरिद्वार के आसपास के शहरों में है। दिल्ली लखनऊ चरम पर है। जाहिर सी बात है कि आसपास के लोगों की संख्या ऐसे पर्वों पर ज़्यादा होती है। दिल्ली से हरिद्वार गए लोग सबसे ज़्यादा होते हैं। कार उठाई और निकल लिए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण का आज सभी रिकॉर्ड टूट गया और करीब 17,282 नए कोरोना संक्रमित और 112 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना की जो प्रकृति है उसके अनुसार हरिद्वार से संक्रमण फैला है तो अगले 7 दिन में पीक आना बाकी है। यह पीक स्नान करके जहां जहां श्रद्धालु फैले हैं वहां वहां होगा। अच्छी बात यह है कि इनकी ना रेकी होगी और ना इनको ट्रेस किया जाएगा तबलीगी जमात की तरह। सबसे निवेदन है कि अस्पतालों में सीट और शमशान घाटों पर जगह का इंतज़ाम कर लें। और हाँ, COVID-1 की तरह किसी को दोष मत दें, ये महामारी है। 1,000-2,000 जमातियों से तो पूरे देश में फैल सकती है पर 20 लाख लोगों के एक साथ डुबकी लगाने से नहीं फैलती। यही मीडिया और सरकार का फ़र्क दिख जाता है। यही है नए भारत की नई झलक। NIN से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।